एवरीवन, तो आज है थर्सडे और लीव ली हुई है मैंने कॉलेज से क्योंकि मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। फाइनली मोनू की शादी की शॉपिंग शुरू हो गई है और काफ़ी हो भी चुकी है लेकिन काफ़ी होनी बाकी भी है। शादी की शॉपिंग तो वैसे भी एंड तक चलती रहती है, तो आज हमारा चांदनी चौक का टूर है और सबसे पहली डेस्टिनेशन है चांदनी चौक में अरुण वस्त्र भंडार, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता ही है। अरुण वस्त्र भंडार तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी वेडिंग शॉपिंग जो दिल्ली में लोग रहते होंगे उनकी, बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, तो वो तो इनकम्प्लीट है अगर अरुण वस्त्र भंडार ना जाओ। एक दो बार मम्मी जा चुकी हैं अरुण वस्त्र भंडार, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आ चुकी हैं, लेकिन आज भी काफ़ी शॉपिंग होनी है। मेरा कॉकटेल का गाउन आना है आज, तो वहीं से ही आएगा। और तो बस अभी 9:15 हो रहे हैं और सब 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं भी अराउंड 9th मैं पहले पहुंच जाऊंगी, बल्कि 10 मिनट, तो मैं बस वहां से रिक्शा लूंगी जहां पे कैब छोड़ेगी और सीधा अरुण वस्त्र भंडार जाऊंगी, नंबर लगवाऊंगी और सबको नंबर मैसेज कर दूंगी और बस सब फिर आएंगे और मैं शॉपिंग करेंगे। तो चलिए आप भी चांदनी चौक वेडिंग शॉपिंग देखते हैं कि क्या क्या सामान ले रहे हैं, क्या क्या स्टफ़ अवेलेबल है, क्या रिसेंट चल रहा है, सब कुछ मिलेगा आपको इस व्लॉग में। तो चलिए चांदनी चौक घूमते हैं आज। पहुंच गई मैं चांदनी चौक और अब बस रिक्शा में बैठ गई हूँ यहाँ से और अच्छा लग रहा है। आज का दिन ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है धूप निकलेगी बढ़िया क्योंकि हल्की हल्की धूप आने लगी है और बहुत अच्छा लग रहा है चांदनी चौक इतने दिनों बाद आके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रीट फूड आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ट्राई करूँ, वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ अभी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन बाद में। और अब मैं सीधा रिक्शा करके जा रही हूँ अरुण वस्त्र भंडार, मम्मी भी आने वाली हैं, सब पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में। और ओए चांदनी चौक कितना अच्छा लग रहा है, तो अभी खाने पीने की भी दुकानें लग जाएंगी सारी, खुलने ही लगा है अभी, 9:30 हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आके। तो चलिए आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से नज़ारा दिखाती हूँ चांदनी चौक का, क्या क्या खाने पीने का दिख रहा है अभी मुझे, देखते हैं सारी चीज़ें। चांदनी चौक की गलियां, वो ठेले दिखने लगे फिर से और वो अंदर अंदर की गलियां जहाँ अरुण वस्त्र भंडार है, अच्छा लगता है। घर में शादी होती है, भगवान जी सब अच्छे से हो जाए, शादियां अपने आप में ये टास्क है, अच्छे से निपटना, सब सही रहे और बढ़िया तरीके से अपना सारा काम हो जाए और आज भी हमें कुछ अच्छा सा मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं, तलाश में जिसके आए हैं। पर ये गलियाँ मुझे फिर से याद आ गई जब मेरी शादी की शॉपिंग हो रही थी ना, वही वाली फील आ गई है दोबारा से मुझे, वही चांदनी चौक, टिपिकल चांदनी चौक। तो चलिए अब अरुण वस्त्र भंडार की तरफ ही बढ़ रही है रिक्शा, चलते हैं वहाँ पे। आप
आने में तो 15 मिनट लगेंगे, आप घर से निकलेंगे मेट्रो तक जाएंगे तो 10 आप लोग बिना सिक्के भी चल जाएंगे, बढ़िया लग रहे हैं डिजाइन जी। मैं 5 मतलब काम करने लगा। हां मतलब हल्का तेज यार, चटपटे से होना ना भैया। किस चीज की मौसी? मम्मी तो कम की लाई थी। अरे वहां से लाएंगे। ऐसी जगहों पे आके मजा तो आता है, चांदनी चौक वगैरह में आके। आप जाओ घर जाके फ्रेश पीस को धो दो, खराब हो जाए तो समझो सारे पीस खराब है। और रात को ले जाओ, रात को ले जाओ अपनी शॉल उतार। ये कितने की? 175 की। पड़ेगी इसके अंदर 7-8 किलो मिले। आगे है मम्मी गरम करके 250 रुपए की है। विमल की देना बेटे, और विमल ये ओरिजिनल रिलायंस की है जी। कितने की? 360 रुपए की है जी। 280 कट पूरा होगा जी। इतना स्पेस है, हम आ जाएंगे। ग्रीन चल ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। लाओ ये फिरोजी वाला दिखाओ, बॉर्डर वाला बड़ा लेना। थोड़ा सा डस्टी पिंक कलर एक देखो, ये है, ये बहुत लाइट है, लगेगा देखो खूबसूरत लगेगा। वीडियो ना बनाओ, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी। क्या डेट है? टंगे वाला है मावरानी अंदर मलवा है बिल्डिंग में, तो आंसर वाइज पर बिल्डर का दिखा। वेलवेट में हो तो वेलवेट में दिखा देना। हां माइक्रो पे भी मेरे को हमारा जाएगा, बोल सब दिखा दूंगा। बोल तुम्हें एक से एक चौकड़ पीस यार, ये वाला कलर में जाने की दिक्कत है। भैया क्या कर रहे हो आप, इतने भारी मत दिखाओ ना। दीदी मेरे पास हैंडवर्क में फिर सब यही आएगा। मेरे पास जो सबसे लाइट लेंगे थे ना, मैंने आपको वो दिखाया सबसे नीचे। ये वाला खोल के दिखाने दो, दोनों ही खोल के दिखा दो। एक ही कर दो। इतने
लहंगा मैं रेडी करा के दूंगा, चोले आपको स्टिच करा देंगे। वीडियो मत बनाओ। आ जाएगी, उसे पता है। कभी सोने पर और ले लो, खानी है नीकू, ले 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 लो। देखो लहंगे देखने, गाउन देखने, ब्राइडल लहंगे होलसेल। दिखाने वाले शॉप वाला है, डॉल पे गोल्ड कॉइन सिंगल बेड सॉलिड की ये वाली आएगी। ओवरलोडेड विद द क्लोथ्स और सामान जो भी हमने लिया है, और मोनू और मम्मी गए हैं सामने, यहाँ पे शादी के कार्ड्स की शॉप है कुछ, तो एक बार उन्हें थोड़ा सा देखना था तो वहाँ पे गए हैं। और हम अब इस टाइम जा रहे हैं कैब की तरफ, तो बस मैं वहाँ से कैब करूँगी और मैं जा रही हूँ घर नोएडा फटाफट यहाँ के पास। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रोडक्टिव डे रहा आज का, मज़ा आया बहुत शॉपिंग करके। आपको जल्दी ही व्लॉग मिलेगा ये वाला। तो चलिए मम्मी और मोनू आ गए, हम मैं रखती हूँ, फिर मिलते हैं। अराउंड 6 बजे के आसपास मैं पहुंच गई थी घर। ये है लोई और शॉल जो मैं चांदी चौक से लाई हूँ। ये आगे सकरात में इसका यूज होगा, तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट व्लॉग जो सकरात वाला आएगा। और बाकी काफी अच्छी क्वालिटी की लोई मिल गई, ओसवाल की मिली थी, और शॉल भी काफी अच्छी मिल गई थी अच्छे रेट पे। चांदी चौक में जाने का यही फायदा होता है, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं बढ़िया रेट्स में। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको जरा सा भी पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस बाय बाय, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखें।